बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी फ्लैट्स के मुतल्लिक एक पाबंदी सामने आ चुकी है, यहाँ पर शेयर कर देता हूँ मैं। अब क्या इस चीज़ का असर सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स के ऊपर होने वाला, यानी कि सिंपल लफाज में जो हम छुट्टी आए हुए हैं या आप छुट्टी वहाँ से अगर आना आ रहे हैं, जैसा कि मैं पाकिस्तान में छुट्टी आया हूँ, क्या हमारे ऊपर इस चीज़ का असर होने वाला है? जैसा कि पहले हमारे भाई बहुत से पाकिस्तान में रह गए, इंडिया बांग्लादेश वगैरह में, जो छुट्टी आए बाद में फ्लैट्स नहीं ओपन हुई और इकामे बढ़ते बढ़ते उनके इकामे नहीं बढ़े और फ्लैट्स ओपन हो चुकी हैं, इकामे बढ़े नहीं और वो पाकिस्तान में ही रह गए, क्या हमारा शिर ऐसा होने वाला है? मैं आपको मुकम्मल यहाँ पर तफसील बताता हूँ। एक मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऊपर लिखा हुआ है कोविड-19 वगैरह, ये सरीन एयरलाइन की तरफ से लगाई गई है। मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। एक दो बातें इंशाल्लाह इसमें आपको काम की मिलेंगी, खासकर जो मेरे भाई सऊदी अरेबिया से छुट्टी आए हुए हैं या आपकी आने की अभी इस्लाह वगैरह है। तो सरीन एयरलाइन भाई, पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं जद्दा लाहौर के लिए इसी एयरलाइन में सफर कर चुका हूँ। 450 रियाल की टिकट थी और इसमें 70 किलो वजन एंड 7 किलो का हैंड कैरी, यानी कि 80 किलो के अराउंड में वजन था इसका। 450 रियाल की सिर्फ टिकट थी। मैं टिकट रेट के मुतल्लिक भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगा मुकम्मल तफसील के साथ। अभी कुछ दोस्त आए हैं, कहते हैं टिकट लेकर आए हैं, मुकम्मल आपको आगाह कर दूंगा जी। बात यह है जी, पाकिस्तान ने जो पाबंदी लगाई इसके मुतल्लिक आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपको एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पाकिस्तानी डोमेस्टिक फ्लाइट, यानी कि कराची टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद या पेशावर वगैरह, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट चलती हैं, उनमें भाई वैक्सीन की शर्त लाजम है जी और मास्क की पाबंदी लाजम अभी करार दे दी गई है दोबारा से। केस कितने पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो रहे हैं? 400 के अराउंड में सिर्फ, ठीक है जी। अभी सऊदी अरब में कितने केस रिकॉर्ड हो रहे हैं? 1000 के अराउंड में। लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि सऊदी अरब में 1000 के अराउंड में केस रिकॉर्ड हो रहे हैं और पाकिस्तान में 400 के अराउंड में केस रिकॉर्ड हो रहे हैं, फिर भी इन लोगों ने पाबंदी लगा दी है, मास्क को लाजम करार दे दिया है तमाम तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि जब पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर फ्लाइट्स के मुतल्लिक कोई भी किसी किस्म की पाबंदियाँ सामने आती हैं, तो क्या इसका असर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर नहीं होगा? डेफिनेटली बात होगा, कन्फर्म है जी। यानी कि मैं खुद से आपको एक बात बता देता हूँ, अपनी आप जो मेरी मेरा जो मैं अपने माइंड के मुतल्लिक सोच रहा हूँ, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक हम बात कर लें तो इस चीज़ का असर इंटरनेशनल फ्लैट्स के ऊपर भी होने वाला है। यानी कि PIA सरीन है या एयर ब्लू है या कोई भी सऊदी एयरलाइन है, वो पाकिस्तान में जब भी आएगी तो खासकर इस चीज़ के ऊपर खास नज़र होगी उन लोगों की। अभी जो मैं खुद से आपके साथ अपनी राय रखना चाहता था, अभी बात यह है जी, अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि क्या ऐसी कोई न्यूज़ सामने ना आ जाए खुदा न खवास्ता कि पाकिस्तान के लिए दोबारा से इंटरनेशनल फ्लैट्स बंद हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के इंटरनेशनल फ्लाइट दोबारा से इंशाल्लाह बंद नहीं होंगी। हाँ, कुछ पाबंदियाँ सामने आ सकती हैं आने वाले वक्त में, जिनमें फ्लैट्स वगैरह और वैक्सीन वगैरह को लेकर और मास्क वगैरह को लेकर ऐसी कुछ पाबंदियाँ मजीद सामने आने का खदशा है, जैसा कि केस बढ़ रखे हैं सऊदी एंड पाकिस्तान वगैरह में। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ्लैट्स बंदश के मुतल्लिक पाकिस्तान में, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। आप इजी तरीके से यहाँ पर जो मेरे भाई बैठे हुए हैं वो आराम से अपनी जो छुट्टी अपनी पूरी करें और जाएँ, जैसा कि मैं भी हूँ। मैं खुद से भी वैसे परेशान हुआ हूँ ये न्यूज़ पढ़ने के बाद, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जी फ्लैट्स बंद नहीं होगी। अगर आप वहाँ से आना चाहते हैं तो आप आएँ भी, नो टेंशन है।